वेलकम माई YouTube फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सबकी पसंदीदा, सबकी फेवरेट दही भल्ले की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। आप ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे और एग्जैक्ट अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो आपके दही भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। मैंने 200 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल ली है और 300 ग्राम मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है। इन्हें हमें 3 से 4 घंटे तक भिगो देना है या ओवरनाइट भी आप भिगो सकते हैं इन्हें। चलिए ये हमारी भीग चुकी है दाल, अब इसे एक मिक्सी के जार में करके हम थोड़ी थोड़ी कर पीस लेंगे इसे और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है हमें। हमें दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है। इसी तरीके से हम सारी दाल पीस लेंगे और देखिए ये दाल पीस ली है मैंने। अब एक बार इसे थोड़ा सा चला लूँगी मैं। चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम 1 चम्मच काली मिर्च ली है मैंने और इसे कूट लिया है। अब इसको अच्छे से हाथ से मसल कर डाल देंगे इसके अंदर और जो मोटा दरदरा रह गया है काली मिर्च का दाना उसे हटा लेंगे। अब इसके अंदर ऐड किया है मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, इसे हम चला लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, ही मैंने 1 चम्मच ही नमक लिया है। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दाल में। चलिए अब हम इसे फेंट लेते हैं। मैं ब्लेंडर से फेंट रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं इसे। हाथ से काफ़ी टाइम लगता है इसे करने में, इसलिए मैं मशीन से कर रही हूँ। देखिए इसका कलर भी लाइट हो चुका है और हमारा दाल का क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है। देखिए ये पानी के ऊपर ही फ्लो कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल दही भल्लों का डो बनकर हमारा रेडी है। और ये बहुत चिकना हो चुका है और ये बहुत ही फ्लफी हो चुका है। मैंने इसके अंदर सोडा ऐड नहीं किया है। चलिए अब हम काफ़ी सारा तेल लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दही भल्लों का डो। आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं इसे हाथ से डाल रही हूँ। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी इन्हें सबको तेल में ऐड कर देंगे और इसकी फ्लेम हम कर देंगे लो। हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, ना हम हाई फ्लेम रखेंगे ना हम लो फ्लेम रखेंगे। जब एक साइड से कलर हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन सा कलर हो जाएगा, तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इससे पहले हमें इसको नहीं चेंज करना है। चलिए जब हमारा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा सारे बड़ों में तो हम एक बार चला के इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ये डबल हो चुके हैं साइज़ में और ये बहुत ही अच्छे फूले हैं बिना सोडे के भी। लेकिन इसका अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छे से इसे नहीं फेंटेंगे तो हमारे दही भल्ले सही नहीं बनेंगे। अगर हम ज़्यादा भी फेंट लेंगे तो जब भी हमारे दही भल्ले सही नहीं बनेंगे, तो हमें एग्जैक्ट तरीके से इसे अच्छे से फेंट लेना है। देखिए सारे दही भल्ले बना के रेडी कर लिए हैं मैंने और देखिए बिल्कुल अच्छे भल्ले बनकर रेडी हुए हैं और इनमें बिल्कुल अच्छी जाली बनी है और इसमें कोई काट भी नहीं है। चलिए मैंने एक कटोर में पानी ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी हींग। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर ये भल्ले हम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ये पानी सोख कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। अब अपने हम दही तैयार कर लेते हैं। दही ली है मैंने ये 250 ग्राम, इसे हम अच्छे से चला लेना है। अच्छे से हम इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे और बिल्कुल इसको शाइनिंग होने तक फेंट लेंगे। अब इसके अंदर ऐड की है मैंने चीनी, मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड की है। आप भी चीनी ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दही के अंदर और दही की खटास भी थोड़ी कम होगी। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम अपने बल्ले भी देख लेते हैं। देखिए पानी अच्छे से सोख लिया है बल्लों ने। मैंने हल्का सा दबा दबा कर इनका पानी निकाल कर दही में ऐड कर दिया था। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट दही बल्ले बनकर हमारे रेडी हुए हैं। अब इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। ये मैंने मसाला ऐड बनाया है ज़ीरे का, लाल मिर्च का, काले नमक का, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं सौंठ। देखिए दही भल्ले बनकर हमारे रेडी हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।